आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। भगवान से हम कैसे बातें कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात कैसे रखें, हम किस ढंग से अपनी व्यथा को बताएं, अपनी इच्छा को बताएं, इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना। पहली चीज तो आपके मन में भगवान के प्रति पूरी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बस प्रेम का भूखा भावना का आपको यही करना है। आप सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो को देखिए, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ सामने कैमरे में, क्या कहते हैं मोबाइल के उसमें स्क्रीन में मेरा चेहरा दिख रहा है, अगर देखा जाए तो मैं अपने से वार्तालाप कर रहा हूँ। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सबके लिए है, लेकिन जो मैं कैमरे में देख रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, मैं अपने से तो वार्तालाप कर रहा हूँ, और किससे कर रहा हूँ, पीछे भगवान कृष्ण जी राधा जी हैं। सेम ऐसा ही आप करिए, कि आप भगवान के आगे बैठे हैं, चाहे आपके घर के मंदिर में हो या आप अपने कमरे में भी हो, बेडरूम में सामने भगवान की फोटो मूर्ति जरूर होनी चाहिए, उठते बैठते दर्शन हो, आप बैठे रहिए चुपचाप, एकांत भावना होनी चाहिए, और बोलिए बराबर, मन मन में नहीं बोलिए, आपको जो बोलना बोलिए, आपको गुस्सा करना गुस्सा करिए, आपको कहते हैं मीठा मीठा बोलना मीठा मीठा बोलिए, आप बोलिए। आप मान लीजिए कृष्ण जी के भगत हैं, हे कृष्ण भगवान क्या करूं बताओ, आप ही तो बताएंगे मैं क्या करूं, बोलिए। ये मेरे साथ हो रहा है, मेरा पेपर भी क्लियर नहीं हो रहा, इंटरव्यू पे जाता हूं पता नहीं क्या होता है, भगवान जी मैं मानता हूं मेरे अंदर कमी है, लेकिन अब मैं कैसे दूर करूं, आप ही तो मेरे को प्रकाश दीजिए, आप ही मेरे कुछ करिए। देखिए एक बात याद रखिए, भगवान कभी आपके सामने प्रकट होकर आपसे बोलेंगे नहीं, पृथ्वी पे ऐसे अजूबे बहुत कम होते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह, ठीक है ना, ये बहुत कम होते हैं, हैं उदाहरण ऐसे लेकिन बहुत कम है जहां पे भगवान साक्षात प्रकट होकर करते थे। तो आमतौर पे हम इसलिए नहीं बोल पाते सही ढंग से कि हम लोगों, आप यही माने ना कि हो सकता है हम लोग उस लायक नहीं हो। मीराबाई ने भी यही कहा था कि भगवान बोले नहीं बोले मैं तो, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते, बोलते नहीं, प्रकट इसलिए नहीं होते हैं कि शास्त्र ये बोलते हैं कि हम लोग उनका तेज सहन नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात करिए, वो अदृश्यों के सारी बात सुन रहा है, सब सुन रहा है, आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसमें अकेले होंगे, बोला तो अकेले ही जाएगा। अब इस समय आपको बोल रहा कौन सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे इस समय तो मेरी स्क्रीन पर, मैं अपनी आवाज खुद सुन रहा हूँ या फिर भगवान जी सुन रहे हैं, और कोई नहीं सुन रहा। आपको सारी बात कहना है, आपको लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी आपकी सुनते नहीं है, आपके घर के अंदर आपकी चलती नहीं है, आप भगवान को बोलिए, हे भगवान तू ही मुझे सद्बुद्धि दे, विवेक दे, सब कुछ तेरे को देखना है, भगवान जी ये इस तरह कहते हैं मेरे को या इस तरह कहती है, आप देखिए, या मेरा भाई मेरी नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, जो भी कुछ है। देखिए दो चीजें बनेंगी, या तो आपके सुनने लग जाएंगे, या आपके अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाएगी, इतनी विवेक बुद्धि आपकी बढ़ जाएगी कि आपको उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप शांत भाव से रहेंगे, दो ही चीज बननी है। लेकिन जो भी कुछ होना, आपको कोई और कोई इच्छा है, और कोई प्राप्ति की इच्छा है, आर्थिक लाभ में कुछ भी, आप भगवान जी को बोलिए ना, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, जिसको भी अय्यप्पा को मानते हैं, जिसको भी मानता है बोलिए, हे तिरुपति बालाजी, हे मैया, हे भगवती जगत जननी भगवती माँ, आप मेरे लिए ये, आप ये मेरी समस्या है। आप ये मत बोलिए आप ऐसा करिए ऐसा करिए, यू आर नॉट, कहते हैं एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, आप कोई मालिक नहीं है, आप तो उनके छोटे से बच्चे हैं, अंश है, जीवात्मा है, वो परमात्मा है। आपको तो अपनी, मैंने कहा ना, जैसे अपने मम्मी के आगे, माँ के आगे, पिताजी के आगे, या आधुनिक बच्चे जैसे पापा के आगे बात रखते, वैसे रखिए ना, बच्चे बन के रखिए आप, आपको देखो कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा। फिर भी याद रखना, एक और भी चीज याद रखिएगा इसके अंदर, कि हमारे कर्म फल भी साथ साथ रहते हैं। आप भगवान से खूब बात कर रहे हैं, आपकी लगन भी लगती है, सारी बात ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपके कर्म फल, जो आपके कर्म फल चले आ रहे हैं, हो सकता है इस जन्म के नहीं लेकिन पिछले जन्म के हैं, उसको अगर आपको फल अगर बहुत आपको माइनस में देना है, नेगेटिव देना है, लेकिन आपकी आपके समय में वर्तमान समय भगवान के प्रति आस्था,
गहरी है, जापू जो ध्यान एकदम से और आपका लगन है, तो वो कहते हैं ना सूली का सूल हो जाता है, बड़े का छोटा हो जाएगा, छोटा नेगेटिव आना है तो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई फल अगर आपको पॉजिटिव सेंस में छोटा मिलना तो और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा है तो उससे भी ज्यादा मिलेगा आपको। तो बस मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, आप इस चीज पर बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिए। आप देखो जीवन के अंदर इतना आनंद आए तो मन हल्का हो जाता है, आत्मबल मिलता है, और कहीं ना कहीं हमें लाभ तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोक परलोक दोनों के सुधार होने हैं, और ये सब आपके प्रेम आस्था का विषय है। मंगल कामना, नमस्कार।